दोस्तों, हमारी किडनी की हालत जानने के लिए सबसे जरूरी टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन। हमारे शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा सीधा हमारी किडनी से जुड़ी हुई होती है। क्रिएटिनिन जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमारी किडनी उतनी ही फेल होती जाएगी। वैसे तो क्रिएटिनिन की मात्रा हर इंसान पर अलग अलग निर्भर करती है, पर नॉर्मली आदमियों में इसकी संख्या होती है 0.6 से 1.2 और औरतों में इसकी मात्रा होती है 0.5 से 1.1। अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल मात्रा से बढ़ गया हो तो ये समझ लीजिए कि आपकी किडनी खराब होनी चालू हो गई है। पर आखिर क्रिएटिनिन की कितनी मात्रा पर हमारी किडनी कितनी खराब हुई होती है, आइए आज यही जानते हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आपको या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को किडनी की प्रॉब्लम है तो उनकी उम्र और उनका क्रिएटिनिन नंबर नीचे कमेंट करें और मुफ्त में पाइए आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह। तो दोस्तों, अगर आपका क्रिएटिनिन 1.5 हो गया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी किडनी 25% खराब हो चुकी होती है, यानी कि आपकी सिर्फ 75% किडनी ही काम कर रही है। किडनी इतनी फेल होने के बावजूद भी आपको ये महसूस भी नहीं होता, क्योंकि किडनी खराब होने पर भी ओवरलोड वर्क करती रहती है और शरीर को महसूस भी नहीं होने देती। अगर आपका क्रिएटिनिन 2 है तो आपकी किडनियां 50% फेल हो चुकी होंगी, पर अभी भी आपको किडनी फेलियर के कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, आपको अच्छा ही महसूस हो रहा होगा। 3.5 क्रिएटिनिन पर 75% किडनियां खराब हो चुकी होती हैं, और अब जाकर आपको किडनी फेलियर के सिम्टम दिखने लगते हैं। किडनी फेलियर के सिम्टम जानने के लिए हमारे बाकी वीडियोस देखिए। यही सही टाइम होता है जब आप आयुर्वेदिक इलाज से अपनी किडनियों को आराम से सुधार सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिनिन 5 है तो आपकी किडनियां 90% फेल हो चुकी हैं। इस समय बीमारी आपके चेहरे और शरीर में अच्छे से दिखने लगेंगी। 6 या 6 से ऊपर क्रिएटिनिन होने पर आपकी किडनियां सिर्फ 5% ही बची रह जाएंगी। इस समय तक तो इंसान डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर आ जाता है। वैसे तो यह हर पेशेंट पर अलग अलग निर्भर करता है कि कितने क्रिएटिनिन पर उसके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, पर अगर क्रिएटिनिन इतना ज्यादा बढ़ जाए तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो फिर आखिर इसे कम कैसे किया जाए, आइए आपको बताते हैं आयुर्वेदा के चमत्कार कर्मा आयुर्वेदा के बारे में, जिनकी आयुर्वेदिक दवाइयों से आप अपने क्रिएटिनिन को कुछ ही महीनों में कम कर सकते हैं। आइए मिलते हैं कृष्णा लाल जी से, जिनका क्रिएटिनिन 8.5 हो गया था और इसी वजह से इन्हें लाइफ में काफी दिक्कत हो रही थी। जब आए थे तब इनका क्रिएटिनिन कितना था? 8.5। ऐसी हालत हो गई थी जैसे मैं बचूंगी नहीं। अभी कितना आया क्रिएटिनिन इनका? अभी शायद 5 आया ना। 5। ठीक है, तो ये टेस्ट भी कहाँ से आपने कराया? ये मैक्स। डायलिसिस नहीं कराया ना आपने बीच में? नहीं, मैं बीच में कुछ नहीं हुआ। तो पहले आपको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर बोला था इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज ने इनका क्रिएटिनिन कुछ ही महीनों में कम कर दिया। कृष्णा जी की हालत में अब काफी सुधार है और उन्हें अब डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये सब संभव हुआ है कर्मा आयुर्वेदा के 80 साल के आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस से। आइए देखते हैं कि कृष्णा जी की रिपोर्ट क्या कहती है। उन्होंने लेटेस्ट टेस्ट भी कराया और क्रिएटिनिन जो अब आया है वो 5 की रेंज में आ चुका है। 5.0 क्रिएटिनिन आ चुका है और ये उन्होंने लेटेस्ट कराया मैक्स हॉस्पिटल से ही कराए हैं। पहले 8.5 के आसपास क्रिएटिनिन था और डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था और बहुत तकलीफ होगी उस टाइम पे पेशेंट को, होते हुए बहुत दिक्कत हो गई थी उस टाइम। तो आज ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से टोटली बाहर है और ये मैक्स हॉस्पिटल की ही रिपोर्ट्स हैं और आपके आसपास ही है। अगर आपको या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को किडनी की दिक्कतें हैं तो तुरंत ही कर्मा आयुर्वेदा से जुड़े और अपनी किडनी की सारी परेशानियों से निजात पाए। कर्मा आयुर्वेदा का 80 साल का एक्सपीरियंस आपकी किडनी की बीमारियों में आपकी मदद जरूर कर सकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करें और किडनी की बीमारियों से जुड़ी ऐसी और बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। हेल्दी रहें, खुश रहें।